हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। को हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, ओके सॉरी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ओके तो वहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग आगे चलते जाएंगे। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, ए क्या दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल्स टू ए आई जे, और यहाँ पे m क्रॉस n ऑर्डर में दी गई है। क्या दी गई है, m क्रॉस n ऑर्डर में। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो जो हमारे पास जो रो होती है वो क्या बन जाती है, कॉलम बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉलम। मतलब यहाँ पे a ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम क्या है हमारे पास, j, और ये रो बन जाएगी जे आई, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलम अगर रो बन गई तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे क्या जाएगा, n क्रॉस m ऑर्डर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड करने को बोल दिया, केवल इतना सा चेंजमेंट है कि जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, लिखिए लेट a इक्वल्स टू ए आई जे, लेट a इक्वल्स टू ए आई जे बी एन, बी एन एम कॉम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए टी, डिनोटेड बाई ए टी और ए टी, और इससे भी करते हैं ए टी से भी, या फिर ए डैश से भी डिनोट करते कभी कभी। ओके, ए टी और ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम, ए जे आई ऐसे लिखिएगा, ए जे आई ऑफ एन क्रॉस एम, दैट इज हमारे पास समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे i और j क्या होंगे, 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी। कहने का मतलब है, एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास a इक्वल्स टू दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है a11 1 2 1 3 2 1, एग्जांपल लिया है मैंने ये 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 3 3, ओके ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास जो रो है वो कॉलम, मतलब ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। मतलब ऐसा ए वन वन, ए टू वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये मैट्रिक्स होगी और ट्रांसपोज मैट्रिक्स जाएगी। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं हमारे पास वो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ रो बन जाएगा, और जो नंबर ऑफ रो है वो क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखा होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर मैं प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब पहले बात करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज समझ में आ गया। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूँ, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर से ये जो रो है जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो, मतलब क्या बन जाएगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अगर मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी। ओके, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, नंबर वन, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स ए। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। फिर सेकेंड नंबर, ए बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या होगा कि अगर हमारे पास ए बी का, के ए का ट्रांसपोज हो गया, के ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से हमने मल्टीपल किया है किसी मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी, उसको ऐसा कह सकते हैं कि k टाइम्स a ट्रांसपोज,
बात एक ही हमारे पास, अगर मैं k से मल्टीपल करूँ, आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स के साथ में मल्टीपल होता है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, उसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो वही आएगा जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का के टाइम्स करेंगे। ओके, फिर फोर्थ नंबर पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, ए बी जो ट्रांसपोज है, ए बी दो मल्टीपल का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालेंगे, तब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ए का क्या होता है, रो होता है, बी का क्या होता है, कॉलम होता है। ए का क्या होता है, रो, और बी का क्या होता है, कॉलम। तो जो हमें बताया कि रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, और कॉलम क्या होता है, रो बन जाती है। तो कॉलम किसका था, बी का था, और रो किसकी थी हमारे पास, ए की थी, तो बी का कॉलम रो बन जाएगी, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ओके, याद तक आ गया। फिर हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन की, तो आप पहले इसको नोट करिए। ओके, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी पे बेस को, ट्रांसपोज पे बेस है कि ए को शो दिया हुआ है हमें, ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स दी हुई है, सॉरी यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। ओके, और आपको बोला है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, टू, तो वो मैंने लिख दिया टू, I2 का मतलब क्या है हमारे पास, टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए कुछ दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। ओके, और ए आपको पता है ए क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दोनों को क्या करेंगे, सम, ए प्लस ए ट्रांसपोज सम करेंगे, क्या आएगा, कॉस का कॉस के साथ ऐड हो जाएगा, तो टू कॉस थीटा, साइन साइन ऐड होके जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, कॉस कॉस टू कॉस हो जाएगा। ओके, और ये क्या दिया हुआ, ये आई टू दिया हुआ, आई टू मतलब हमारे पास टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू टू कॉस थीटा जीरो जीरो टू कॉस थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ पे कॉस हाफ क्या होता है, पाई बाई थ्री, कॉस हाफ में कॉस की वैल्यू किसकी हेल्प से, हम 60 की, तो 60 को लिखते हैं पाई बाई थ्री। जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस को कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो क्या लिखते हैं लोग, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास, पाई बाई, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो हमें 2n पाई के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, n पाई के फॉर्म में। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा बोलते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो डायरेक्टली लिखते थे पाई बाई थ्री, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोले, यहाँ पे बोला है जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो चैप्टर में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को रफ करो, बाकी आप सॉल्यूशन नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, या रुकिएगा अभी, ठीक है ऐसा लिखिए,
लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल, बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल ऑफ हूज एंट्रीज आर 0 and 1 such that 5 of these entries are 1, 5 of these entries are 1 and 4 are 0 and 4 are 0. Then find the number of matrix. Then find the number of matrix capital A. Okay, ये question है. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये नहीं पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पहले पढ़ लेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म पढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारे पास क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में चेंज ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे एक जो सबसे इजी होता है उसको कंसीडर करते हैं. देखिएगा ध्यान से, ए एच जी, एच जी बी एफ एफ सी, ये दिया हुआ है. ओके, ध्यान से देखो, ए एच जी चेंज अगर करेंगे फिर से क्या आएगा, ये आ जाएगा. तो इस ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए जिस मैट्रिक्स को इक्वल में क्वेश्चन दिया था. अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, डायगोनल. ये क्या है, डायगोनल. अब ये डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री. कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री. तो यहां पे दो केस लेंगे, मैं जीरो फिल कर रहा हूं. सबसे पहले काम क्या होगा, जीरो फिल करेंगे. कितने जीरो फिल करेंगे, अगर आपने एक जीरो फिल किया, अगर आपने किसी डायगोनली में एक जीरो फिल किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो फिल करोगे तो बाकी यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, थ्री. थ्री जीरो करोगे तो इन तीनों के प्लेस पे कहीं भी हम जीरो पुट करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान से को, अगर मैंने यहाँ जीरो किया, बाकी दो जीरो कहाँ करोगे, अगर दो यहाँ पे करोगे तो एक यहाँ पे आएगा, सिमेट्रिक तो होगा नहीं क्योंकि. ओके, मेरी बात समझ में आ रहा कि अगर मैंने यहाँ पे किसी डायगोनल में एक जीरो पुट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो तीन नंबर्स हैं और ये तीन नंबर्स हैं. इन छह नंबर्स में से हमारे पास किसी एक प्लेस पे, सॉरी किसी तीन प्लेस पे हमारे पास जीरो होगा, किन्हीं भी तीन पे. और आपको पता है कि अगर मैंने तीन प्लेस पे जीरो किया तो आपकी सिमेट्रिक तो बनेगी नहीं, क्योंकि मान लिया कि यहाँ पे जीरो कर दिया तो एक ही जीरो तो बच्चा हमारे पास, वो यहाँ पर कर दोगे तो ये तो बच्चा रह जाएगा ना हमारे पास, तो ये तो सिमेट्रिक आएगा क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास. तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे कि फिर क्या, तो ए वन पे होगा नहीं सेटिस्फाई. फिर केस नंबर फर्स्ट क्या है कि डायगोनली हमने टू जीरोस पुट किए. क्या किए, डायगोनल में टू जीरोस पुट किए. डायगोनल में टू जीरोस पुट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, टू. क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एक बचेगा, एक यहां पर में किसी में और एक यहां कर दोगे, हो जाएगा हमारे पास. तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 3C2. डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, थ्री. डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री. तो नंबर ऑफ वे टू चूज टू एलिमेंट्स इन डायगोनल तो क्या जाएगा, 3C2 और पुट कर देंगे यहाँ पे, खत्म हो जाएगा. ओके, फिर देखो दो दो जीरो बने वो कहाँ पे होंगे, किसी भी एक पोजिशन पे, मतलब आधे इधर पुट कर दो एक और एक यहाँ पुट कर दो आके.
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग टू जीरोस या रेस्ट टू जीरोस का पुट करेंगे नंबर्स में से, किस में से, तो इसको चूज करने कितने मेथड होंगे, ये तीन नंबर्स हैं किसी एक प्लेस पे करेंगे, एक करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ एच जीरो पुट करोगे तो यहाँ जीरो अपने आप आ जाएगा, यहाँ जीरो करो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ करोगे यहाँ आएगा, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, क्या हो जाएगा 3C1 हो जाएगा। समझ में आया, ये टू जीरोस पुट किया उसके लिए, ओके यहाँ पे लिखना भूल गया, टू डायगोनल में टू जीरोस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वे टू चूज टू एलिमेंट्स इन डायगोनल क्या हो जाएगा 3C2। फिर हमारे पास रिमेनिंग टू जीरोस के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी एक प्लेस पे चूज कर लेंगे, तो नंबर ऑफ वे टू फिल वन जीरो इन अपर और लोअर किसी भी एक प्लेस पे ही करेंगे, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 3C1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे 3C2 इंटू 3C1 दैट इज 3 × 3 दैट इज क्या हो जाएगा 9। ये केस नंबर फर्स्ट हुआ है, केस नंबर फर्स्ट हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, दो हमने जीरो पुट किए, अब आपके दिमाग में अगर तीन जीरो, फिर से वही बात, अगर तीन जीरो यहाँ पुट कर दिए तो एक ही जीरो बचा, वो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ओके तो ये तीन वाला भी नहीं होगा, तो चार कर नहीं सकते क्योंकि डायगोनल में हमारे पास क्या है, तीन ही एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस की बात करते हैं, जब हमारे पास डायगोनल में वन की बात करें, जीरो खत्म हो गया, चार जीरो खत्म हो गया, अब केस नंबर टू वन पुट करेंगे डायगोनल में, हमने यहाँ पे अगर आपके दिमाग में है कि टू वन पुट कर देंगे डायगोनल में, टू वन पुट करने मतलब तीन कितने वन बचे हमारे पास, थ्री, क्यों, क्योंकि हमारे पास वन कितने हैं, फाइव है, वन कितने हैं, फाइव, तो अगर टू पुट किए थ्री बचे, तो थ्री बचेंगे तो इन तीन में से ये तीन क्या हो जाएंगे हमारे पास पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या डिफरेंट हो जाएंगे, हमें डिफरेंट नहीं बनाना, हमें क्या बनाना, सिमेट्रिक बताना है, सिमेट्रिक क्या होता है, क्या कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे जीरो किया तो यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा, सॉरी वन पुट किया यहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे किया यहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा, ओके तो यहाँ पे एक क्या तरीका है हमारे पास, अगर वन पुट करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ओनली वन पुट कर दिया डायगोनल में, डायगोनल वन किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने वन बचेंगे, फोर, फोर में से हमारे टू यहाँ पे और टू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ओके टू यहाँ पे भी होंगे और टू यहाँ पे भी होंगे, अगर एक पुट किया हमने वन, तो हमारे पास कितने एलिमेंट बनेंगे टोटल, देखिएगा अगर हमारे पास यहाँ पे पुट किया है कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे टू वन पुट किया तो यहाँ पे कितना, फोर बजे, फोर में से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल में हमने वन पुट किया है इन वन टाइम्स, डायगोनल में वन पुट किया है वो भी वन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कितने निकलेंगे हमारे पास, 3C1 क्या निकलेगा, 3C1। अच्छा तो खत्म हो गई बात यहाँ पर, सॉरी 3C2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, ओके फिर क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये 9 और प्लस 3, 9 प्लस 3 दैट इज 12, समझ में आ गया होगा आपको, ओके दो यहाँ पे पुट किया, दो यहाँ पे पुट किया, खत्म हो गया हमारे पास, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग वाली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या डालेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आपको बताया, इसके पहले ही क्वेश्चन में अभी यूज किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आती है जहां पे हमारे पास जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो आप वो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके देखिए देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक व्हेन व्हेन ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल, ऐसे लिखिएगा फॉर ऑल आई कॉमा जी, आई कॉमा जी, ठीक है नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम लोग यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, डिजिट्स में ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3, 1, -1, 2 and 3, यहाँ पे -2, -2, 1 and -1, ये क्या दिया हुआ है ए, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा 3, ये रो है कॉलम बन जाएगा 1, -1, 1, 2, -2, -1, -2, -3, तो ध्यान से देखो यही मैट्रिक्स आ रही है, मतलब इसको ऐसे देते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया समझ में, भी आ गया होगा, यहाँ पे एक ए दिया था, ए ट्रांसपोज निकाला, हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गई, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए। ठीक है नेक्स्ट फिर बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, क्या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी वैसे ही होती है, बस यहाँ पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है साइन चेंज, लिखिएगा लेट ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे या ए आई जे, मैट्रिक्स में लिखेगा लेट मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी, ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब कहने का है कि डायगोनल तो हमारे पास चेंज होंगे मतलब ट्रांसपोज, बट उसके साथ में माइनस साइन आ जाएगा, उसके साथ में माइनस साइन जब आ जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से वही फॉर ऑल आई एंड जी, फॉर ऑल आई कॉमा जी, ओके नोट कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी का, देखिएगा ए दिया हुआ है 0, 2, -3, 0, 0, -1 यहाँ पे -2, 3, 1 ऐसा दिया, तो ध्यान से देखो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आ जाएगा 0, 2, 3, -3, -2, 0, -1, 3, 1 and 0, तो यहाँ से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन कर लूँ या माइनस ए ट्रांसपोज निकालूँ, तो माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीपल, तो ये जाएगा 2, -3, -2, 0, -1 और 3, -3, +1 और 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है नोट कर लीजिए।
इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन है द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ए इक्वल्स टू ए आई जे गिवेन बाय ए आई जे इक्वल्स टू गिवेन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे टू द पावर थ्री, आई माइनस जे टू द पावर थ्री, ओके इज ए, इज ए ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं हमारे पास कि सिमेट्रिक है, इसके सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर डायगोनल है, और या फिर लास्ट ऑप्शन है हर्मिशियन। हर्मिशियन ना लेके हम लोग इसको लिख लेते हैं नन ऑफ दिस लिख लेते हैं, क्योंकि हर्मिशियन भी पढ़ा नहीं हमने, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम क्या देखेंगे हम लोग, ए आई जे कैसी है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने 3x3 की ले लेता हूं, पहले अगर मैंने 1 1 लेंगे, a 1 1 1 2 1 3 यहां पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये मैंने कंसीडर की है, ओके 1 1 है, मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा, i 1 माइनस 1 0, इस तरीके से 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी, क्या आएगी वो देखना पड़ेगा। देखो 1 2 1 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2, माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस 1, 1 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा, माइनस 8, माइनस 8, फिर देखिए 2 1 2 माइनस 1 1 2 2 खत्म हो गया, 2 3 तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, -1 का क्यूब -1, 3 1 3 -1 2, 2 का क्यूब 8, 3 2 3 -2 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, 0 -1 -8 1 0 -1 8 1 एंड 0। तो ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a लिखा हुआ है, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a लिखा हुआ है, मतलब कहने का है कि यहां से क्या पता चल गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। और वैसे भी अगर किसी डायगोनल में 0 आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल तो होगा नहीं, फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक तो दिख नहीं रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। अगर ये भी नहीं दिखता फिर ना क्या होता, नन ऑफ दिस हो जाता हमारे पास, ओके ठीक है। आगे देखते हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ए दिया हुआ है हमारे पास 1 2 2 2 1 माइनस 2 1 2 2 2 1 माइनस 2, a 2 b ये दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, इज ए मैट्रिक्स
सेटिस्फाइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नाइन आई इज इक्वल टू नाइन आई इज इक्वल टू नाइन आई वेयर आई इज थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स देन ordered pair of AB then find the ordered pair of A comma B ये पता कर मतलब कहने का है कि A और B की वैल्यू फाइंड करें कैसे करेंगे उसको देखते हैं देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है A into A transpose क्या दिया हुआ है A into A transpose तो आपको ए ट्रांसपोज से निकाल लोगे ए ट्रांसपोज क्या आएगा वन टू 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 वन माइनस टू ए टू बी ओके ए ट्रांसपोज आ गया फिर क्या करना है साथ में हमें ए दिया हुआ है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज है ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों में डिफरेंट है ओके तो ध्यान दीजिएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हमने ए की वैल्यू पुट की वन टू 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 वन माइनस टू एंड ए टू बी फिर यहाँ पे मल्टीपल किया है वन टू 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 वन माइनस टू ए टू बी और इनका मल्टीपल जो दिया ये क्या दिया हुआ है नाइन आई दिया हुआ क्या दिया हुआ है नाइन आई मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर नाइन जीरो 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 नाइन जीरो 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 नाइन अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं इसका मल्टीपल करेंगे वन प्लस टू फोर प्लस फोर वन प्लस फोर प्लस फोर यहाँ से करेंगे टू प्लस माइनस फोर टू प्लस टू माइनस फोर फिर इसके साथ करेंगे तो ए प्लस फोर प्लस टू बी इसके साथ करेंगे तो टू प्लस टू माइनस फोर इसके साथ किया तो टू सॉरी फोर प्लस वन प्लस फोर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए सॉरी टू ए प्लस टू और माइनस टू बी ओके फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस फोर प्लस टू बी फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टू ए प्लस टू माइनस टू बी फिर इसके साथ करेंगे क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन जीरो 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 नाइन जीरो 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 नाइन इतना समझ में आ गया अब यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन को देखेंगे तो ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पर इस जगह पे ये क्या लिखा हुआ है नाइन तो नाइन तो नाइन इक्वल है और आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे तो नाइन जो है वो नाइन के इक्वल है जीरो जो है वो जीरो के इक्वल है ये जो नंबर है क्या है ए प्लस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा जीरो यहाँ से क्या आ गया ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर देखिए फोर माइनस फोर जीरो हो गया खत्म नाइन दिया हुआ है यहाँ से देखो टू ए माइनस टू बी प्लस टू टू ए माइनस प्लस टू माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या दिया जीरो ओके यहाँ से क्या आया ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया वन सॉरी माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड अब यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लो दोनों को सॉल्व कर लो या फिर ऐसा कर लेते हैं जैसा लिखा है ना वैसे लिखते हैं क्या टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू इक्वेशन नंबर सेकेंड क्यों किया है क्योंकि दोनों को ऐड करोगे खत्म हो जाएगा हमारे पास दोनों को ऐड कर लेते हैं इधर रफ कर क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं देखिए इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड किया है इक्वेशन नंबर वन एंड वन प्लस टू को 2b 2b खत्म हो गया
ए प्लस टू ए कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्री ए, माइनस फोर और माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू। फिर क्या देखा, ए इक्वल टू माइनस टू पुट किया, माइनस टू को शिफ्ट किया, प्लस टू हो जाएगा माइनस टू, टू बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी इक्वल टू माइनस वन। ओके खत्म हो गया हमारे पास। ओके तो यहां से हमारे पास ए, और आपसे पूछा गया था ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन, खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए, ये मेंस का क्वेश्चन है 2015 का, ये क्वेश्चन जो कराया है ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखिएगा, इफ पी इक्वल टू, इफ पी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू वन बाई टू, रूट थ्री बाई टू वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है वन वन, ए इक्वल टू वन वन जीरो वन, एंड क्यू के जो वैल्यू दिया हुआ है क्यू इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, देन देन पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर वट टू वन फाइव और पी, ये फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है। अच्छा तो कैसे करेंगे, पहले एक बात देखो यहाँ पे कि जो P है वो होगा क्या, जो P है वो होगा क्या, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अब ये बात आती है, अगर मैं देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर इसमें दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीपल कर दूँ, क्या कर दूँ, P इनवर्स से मल्टीपल कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा P इनवर्स Q इज इक्वल्स टू ए इंटू पी ट्रांसपोज। ओके क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होती है क्योंकि आई और ए कैसे हैं, एक दूसरे से कम्यूट है। ओके फिर देखिए, अच्छा ऐसा ना करके एक काम करते हैं, पहले इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। तो इनवर्स होता क्या है, अगर हमारे पास ऐसा ए इनवर्स इक्वल्स होता है, वो होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन यहाँ पर और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा होता है, अभी हमने एडजॉइंट नहीं पढ़ा है तो अभी हम नहीं बात करेंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट आप ऐसे ही नोट कर लो, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या ये एडजॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये जो पी इनवर्स क्वेश्चन सही है, क्यू इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है देखते हैं अभी, अब एक चीज देखो, पी ट्रांसपोज निकाल लो, पी ट्रांसपोज निकाल लो, यहां से क्या आएगा, रूट थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू, ये आ जाएगा पी ट्रांसपोज। अच्छा पी ट्रांसपोज आ गया तो आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या है, पी ए पी ट्रांसपोज, यही है। अब हमें इनवर्स निकालना है तो हमें ये पता है कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे, वहां से पी इनवर्स निकाल, पी इनवर्स अभी बताया आपके, अब क्या क्या होता है, एट वन अपॉन एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी पी और एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे पी इनवर्स है एडजॉइंट क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे जो
डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और इसका मल्टीपल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1/4। दोनों का क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 3/4 माइनस 1/4 और माइनस पहले से था 3/4 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1/4 मतलब क्या जाएगा 4/4 यानी 1, ये तो 1 हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, क्या होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट चाहिए वही रो और वही कॉलम में छुपा लूंगा, क्या बचेगा हमारे पास 3/2। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास ये छुप गया और ये छुप गया, क्या बचा हमारे पास माइनस माइनस 1/2 और यहाँ पे माइनस साइन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यही बात यहाँ पे हो जाएगी, सॉरी यहाँ हो जाएगा रूट 3/2। तो ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है, P इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज, तो P इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 1/2 3/2 दैट इज क्या हो जाएगा P ट्रांसपोज के इक्वल। शॉर्ट में बताया आपको ये, थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज करना पड़ेगा, हमने क्वेश्चन तो ले लिया था। आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है सॉरी पी है यहाँ पर। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए कोफैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमें यहाँ पे 1 1 चाहिए तो जिस 1 1 चाहिए मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, मतलब मैंने इसको और इसको छुपा लिया, क्या बचा हमारे पास रूट 3/2, वही लिख दिया यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूट 3/2, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्यों, क्योंकि 1 2 आएगा, 1 2 का सम क्या आएगा 3, 3 कैसा होता है ऑड नंबर इसलिए माइनस। फिर अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब ये छुपा लिया, क्या पोर्शन बचा माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है सेकेंड रो ये इसको छुपाया और फर्स्ट कॉलम ये जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा जो बचेगा लिख दो। इसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट, वो होता है क्या एडजॉइंट। ओके तो इसे को लिख दिया मैंने वहां पर शॉर्ट में, ये आ गया हमारे पास पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स। अच्छा अब क्या करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल टू पी ए पी इनवर्स, पी ए पी इनवर्स। देन हमें क्या करना है क्यू रेस टू 1 2 2 1 5 फाइंड करना है, क्यू रेस टू में 2 1 5 तो यहाँ से पी ए पी इनवर्स, पी ए पी इनवर्स होल रेस टू में 2 1 5 कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड क्या है हमारे पास पी ए पी इनवर्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास ये पी रेस टू में 2 1 5 करोगे तो हमें पता है कि एडजॉइंट सॉरी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी ए टू दी पावर 2 1 5 और पी इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप रख लो आके, यहाँ पे आप रख लोगे आके और जैसे ही रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या था हमारे पास, क्या पता करना था ये, तो पी ट्रांसपोज ए सॉरी क्यू की पावर कितना है हमारे पास 2 1 5 और पी, तो रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा पी ट्रांसपोज क्यू की वैल्यू क्या आई हमारे पास ये पी और पी ट्रांसपोज क्या है हमारे पी इनवर्स है, यहाँ पे क्या करेंगे पी ए टू द पावर 2 1 5 पी इनवर्स इनटू में पी, तो ये मल्टीपल हो गया क्या जाएगा आइडेंटिटी, ये मल्टीपल हो गया क्या आइडेंटिटी खत्म हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ओके सॉरी ए टू द पावर 2 1 5 क्योंकि ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आई बन जाएगा, इसके साथ करेंगे तो आई बनेगा। ओके अगर आई बन गया तो हमारे पास ये क्या बनेगा 2 1 5 और ए टू द पावर 2 1 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं 1 2 1 5 0 1, अगर आपको याद हो तो पी क्यू 0 1 वहां पे क्या था पी की पावर 8 और क्यू की इनटू P पावर 8 माइनस 1 अपॉन P माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या था 0 1 वही है। ओके
उन रिजल्ट्स का यूज कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार इनवर्स पढ़ेंगे तब यहाँ पे इसको देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार फिर से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर आगे आते हैं हम लोग, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। Properties of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल All elements of diagonal in skew-symmetric matrix are zero. All elements of diagonal in skew-symmetric matrix are zero. कैसे? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में, कैसे आता है, कैसे आएगा? अगर हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जे आई हो जाएगा। तो मैं अगर दोनों को क्या करूंगा, आपको पता है कि ए स्क्यू सिमेट्री में होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, जीरो आएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज यहां से क्या आएगा, ए आई जे प्लस ए जे आई आर जीरो। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आई इक्वल टू जे, यहां पर लिख देता हूं फॉर डायगोनल आई इक्वल टू जे, और आई इक्वल टू जे होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आई आई, यहां पर लिख देता हूं फाइट फॉर डायगोनल लिखा है, उसके नीचे लिखेगा ए आई आई प्लस यहां पे भी ए आई आई इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स टू टाइम्स ए आई आई इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आएगा ए आई आई इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, मतलब वन वन भी जीरो होगा, टू टू भी जीरो होगा, थ्री थ्री भी जीरो होगा, वही ये एलिमेंट लिखा होगा। ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। और एक बार नहीं पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया, आपको बुक एक बार देखेगा तो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लिख लीजिए। सेकेंड नंबर पॉइंट भी बोर्ड के लिए ही है, रफ करें इसको। लिखिएगा every square matrix capital A can be uniquely expressed as A equals to 1 by 2 A plus A transpose plus, इसको रफ कर देता हूँ मैं, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, एक्सप्रेस एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और नेक्स्ट लिखिएगा, इसको लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, यहाँ पे लिखेगा और मत लिख के लिखेगा सच दैट ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस। ओके, मतलब ये जो आएगी वो क्या है, ये है सिमेट्रिक, ये क्या है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख दिया है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और ये जो है हमारे पास, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बना लेंगे और उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कॉमा ए ट्रांसपोज इनटू ए एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए एंड ए इनटू ए ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट नंबर पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ ये लिखा भी चुका हूँ आपको पिछले, पहले में कम्यूट पर आया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में लिखिएगा। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, If A and B are symmetric matrix, then AB is a symmetric. AB is symmetric if AB is symmetric if AB equal to BA. AB equal to BA. Okay. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इन डालिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स पे। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, for how many values of x in the closed interval -4 to -1, ये क्वेश्चन दिया, मैं दिया हुआ इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल द मैट्रिक्स 3 -1 + x 3 -1 + x 2, -1 है x प्लस टू, देन x प्लस 3, -1 and 2 इज सिंगुलर, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो क्या होता है हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। तो सिंगुलर है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 -1 + x 2 3 -1 x + 2 x प्लस 3 -1 and 2 डिटरमिनेंट है, और इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, 3 इसका मतलब -2, यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस इन ब्रैकेट -1 + x
6 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 3, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ऐसा लेता हूँ, 6 माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, फिर इसके आगे प्लस 2 इंटू में माइनस 3 और प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया, 0। तो यहाँ पे 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 ख़त्म, और इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ जाएगा 3x माइनस, यहाँ से माइनस एन कॉमन किया तो प्लस हो गया, x माइनस में 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस, इसको मल्टीपल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का मल्टीपल करते जा रहे हैं, माइनस में 5x और माइनस में 6, ओके, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 0। फिर देखिए 6 से 6 ख़त्म, इसका मल्टीपल करें हम लोग यहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में 5x स्क्वायर, ओके, माइनस 1 का करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे करेंगे तो प्लस में 5x, और यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस में 5x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये तो है वो ऐड हो जाएंगे, और शिफ्ट कर लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एक्स क्यूब प्लस में इन दोनों को ऐड किया तो प्लस में 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x इक्वल टू 0, यहाँ पे जगह है यहाँ पे करते हैं, एक्स को 10x है यहाँ पर, 10x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स कॉमन किया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में 5 इक्वल टू 0, एक्स इन ब्रैकेट, इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, x प्लस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 0, 1 और माइनस 5, तो माइनस 4 से लेकर माइनस 1 है, माइनस 4 से माइनस 1 में तो ये नंबर तो आएगा ही नहीं हमारे पास, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। आपसे क्या पूछा था, हाउ मैनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज मिली हमारे पास, 2 वैल्यूज, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर इज 2, ओके, नोट कर लीजिए। और एक बात, 1 तो भी नहीं लेना है, माइनस 1 दिया हुआ है, ये भी ख़त्म हो गया, तो आंसर इज 1 हो गया ओनली, क्योंकि माइनस 4 से माइनस 1 है, नॉट 1 है, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 1 वैल्यू, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, और उसके बाद इनवर्स होगा, देन आपको 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके।